मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब चुनावी रंग तेज हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर की विधानसभा सीट एक से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक संजय शुक्ला भी अब जनसंपर्क में जुट गए हैं। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने इंदौर की विधानसभा एक से वर्तमान विधायक संजय शुक्ला पर फिर से भरोसा जताया है, जिसके चलते अब कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला लगातार जनसंपर्क करते हुए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला वार्ड क्रमांक 2 में पहुंचे, जहां उन्हें जनता का समर्थन और प्यार दोनों जमकर मिला। सिर्फ तालाब है, आरामदा नगर है, हरिहर कॉलोनी, सभी माताओं बहनों का पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि विधानसभा एक के अंदर वर्षों से कोई विकास नहीं हुआ था। जो भी विकास हुआ यहाँ, यहाँ जो नर्मदा टंकी बनी वो मैंने बनवाई, यहाँ पर जो लाइनें डली है नर्मदा लाइन वो हमने डलवाई। इसके पहले 25 साल से यहाँ पर कोई लाइन नहीं डली हुई थी। यहाँ आज भी बोरिंगों के पानी से काम हो चल रहा था, परंतु मेरे विधायक बनने के बाद सिरपुर टंकी बनी है और पूरे विधान वार्ड क्रमांक 1 के अंदर गली गली में नर्मदा लाइन डल गई है और चालू भी हो गई।